प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं। आज डेंगू का कहर जो प्रदेश में काफ़ी फैला हुआ है, इसमें हम आसान तरीके से और घरेलू तरीके से कैसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, वो मैं आपको दो चार टिप्स बताने वाली हूँ। अलग अलग लक्षणों में, जैसे मान लो आपके बच्चे को बुखार है और उल्टी दस्त है, जुरातिसार जिसको आयुर्वेद की भाषा में बोला गया है जुरातिसार, उसमें सिर्फ एक संजीवनी की टेबलेट आती है, उसको शहद के साथ में पीस के और सुबह दोपहर शाम आप दें, और खाने पीने में क्या देना चाहिए वो आप चिकित्सक से संपर्क करके और उच्च सलाह लें। ये मैंने तात्कालिक जो परेशानी है, जैसे बुखार भी है और दस्त भी है, तो आप उसमें संजीवनी शहद के साथ में एकल औषध का उपयोग करें जो बच्चे हैं उनके लिए। यदि 18 साल से ऊपर हैं कोई भाई या बहन, तो उसमें केवल एक सुंठी का पाउडर, सौंठ का पाउडर शहद के साथ में मिला के और दिन में 3 बार चाट लें, तो उससे आपको तात्कालिक लाभ मिल जाएगा। बच्चा यदि आपका न्यूबॉर्न बेबी से लेके और 1 साल तक का बच्चा है, 1.5 साल तक का बच्चा है, तो सिर्फ शुद्ध टंकण या बाल सुधा के नाम से औषधि आती है, वो आप औषधालयों से ले लें या फिर खरीद लें, और 2 चुटकी की मात्रा में शहद में मिलाया उसको 2-3 बार दिन में देंगे, तो उल्टी दस्त बिल्कुल बंद हो जाएंगे। फीवर में भी इससे अंतर आता है। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं हर वीडियो में अपना फ़ोन नंबर भी बताती हूँ। फ़ोन से पूछने का कोई शुल्क नहीं है, आप जहाँ भी रहें उस समय आपको जो रिपोर्ट हैं वो मुझ तक पहुँचानी होती हैं, मुझसे संवाद करना होता है, अपने पेशेंट के लक्षण बताने होते हैं, बस इतने पर ही मैं आपको फ़ोन से ही मेडिसिन लिखवा के और आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित करने का प्रयास करती हूँ। तो आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है, आयुर्वेद का काढ़ा प्राप्त करने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और घरेलू काढ़ा बनाने के लिए भी मैं आपको दूरभाष पर ही वो सारा सुझाव उपलब्ध करवाऊंगी। धन्यवाद।